दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के पांच ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि इन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अपनी जिंदगी के लिए लड़ते रहे। इसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे, तो देखिए इस वीडियो को एकदम अंत तक। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अस्कार राजपूत पे। जैसन ओगले। जैसन जब अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में कुछ लोग एक बड़ी शॉप को लूटने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान वह पुलिस पर भी गोलियां चला रहे थे। तभी चोर की एक गोली जैसन को जाकर लगी। उसे लगा कि वह मरने वाला है, लेकिन जब उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसने उस जगह पर हाथ लगाकर देखा जहां पर गोली लगी थी। तब उसे पता चला कि गोली मोबाइल में लगकर उसमें ही अटक गई है, जिस वजह से उसकी जान बच गई। नतालिया पास्टरनाक। साल 2015 में नतालिया अपने दोस्त के साथ जंगल से गुजर रही थी। इस दौरान उसे अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तभी अचानक उसके सामने एक बड़ा भालू आ गया, जिसने नतालिया पर हमला कर दिया। तभी उसकी दोस्त सहायता के लिए वहां से भाग गई। जब भालू को लगा कि उसका शिकार मर गया है तो वो नतालिया को घास और पत्तों से ढकने लगा, लेकिन पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने भालू को मार दिया। उन्होंने देखा कि नतालिया की सांस चल रही है। इसके बाद हॉस्पिटल में इलाज के बाद नतालिया को बचा लिया गया। संबोरा। कंबोडिया का रहने वाला एक व्यक्ति करीब 4 दिनों तक बिना पानी और खाने के जिंदा रहा। साल 2018 में एक व्यक्ति जब जंगल से होकर गुजर रहा था तभी उसकी टॉर्च 2 पत्थरों के बीच में जाकर गिर गई, जिसे निकालने के चक्कर में वो भी नीचे गिर गया और पत्थरों के बीच बिल्कुल बुरी तरह से फंस गया और मुश्किल से हिल पा रहा था, और 4 दिनों तक वो वहां फंसा रहा। तभी किस्मत से उसके भाई ने उसे खोज लिया, जिसके 10 घंटे बाद 200 लोगों की मदद से पत्थर को काट कर उसे बाहर निकाला गया, जहां थोड़े दिन अस्पताल में रहने के बाद वो स्वस्थ हो गया। ग्रेग रस्मुसेन। साल 2003 में एक व्यक्ति प्लेन की मदद से अफ्रीका के जंगल से गुजर रहा था। तभी उसके प्लेन में कुछ खराबी आ गई और वो जंगल में क्रैश हो गया। जब उसे महसूस हुआ कि उसके दोनों पैर टूट गए हैं और वो मुश्किल से हिल पा रहा है, तभी उसने देखा कि हाथी का एक झुंड उसकी ओर आ रहा है। तब वो लकड़ी उठाकर प्लेन पर जोर जोर से पीटने लगा, जिसकी आवाज से वो सारे हाथी भाग गए। लेकिन कुछ ही देर में शेर वहां आ गया, पर उसने हाथियों के जैसे ही उसे भी डराकर भगा दिया। पूरी रात जंगली जानवरों के बीच रहने के बाद रेस्क्यू टीम के द्वारा उसे सुबह बचा लिया गया। ट्रूमैन डुंकन। साल 2006 में एक व्यक्ति जो कि एक रेलवे डिपार्टमेंट में काम करता था, एक दिन पैर फिसल जाने की वजह से वो ट्रेन के नीचे गिर गया। इस वजह से उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन उसने हार ना मानते हुए 75 फीट अपने आप को घसीट कर हेल्प लेने की कोशिश की, जिसके 45 मिनट बाद लोग वहां पहुंच गए। जब उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नहीं बच पाएगा, लेकिन 4 महीनों में 20 से ज्यादा सर्जरी के बाद दोबारा से वो रेलवे डिपार्टमेंट में काम करने लगा। वीडियो बनाने में काफी समय लगा, मगर आपको इस वीडियो को लाइक करने में 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और सबसे इम्पोर्टेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन को जरूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो से आप अपडेट रह सकें। तो मिलता हूं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। Do you want to know?